सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल अली चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियो मिले सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लिग्रेशु और आप देख रहे हैं टेक्निकल अली। आज मैं लेके आया हूं बहुत ही कमाल की एक वेबसाइट, तो चलिए उसको शुरू करते हैं। दोस्तों इस वेबसाइट को अभी कोई भी नहीं जानता, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस वेबसाइट को जानते हैं। माहरीन का इस वेबसाइट के बारे में क्या कहना है, क्या कहते हैं माहरीन वेबसाइट के बारे में, मैं आपको बताता हूँ। अभी सबसे पहले आप गूगल क्रोम में आइए, ये बड़ी अजीबोगरीब सी एक वेबसाइट है और ये वेबसाइट करती क्या है आपको दिखाता हूँ मैं। गूगल में आ गए हम लोग जी, तो मैं अपने गूगल में आ चुका हूँ। तो यहाँ पर आपने आके लिखना है zoomquite.org। दोस्तों ये लिखने के बाद आपके सामने काफ़ी सारे सर्चेज गूगल दे देगा, तो आपने सबसे पहले कोई सर्च करना है जी। तो ये हो गया है सर्च, अभी वेबसाइट जो है ओपन हो रही है। दोस्तों ये जो वेबसाइट है ये देखिएगा कैसे काम कर रही है, ये अपने आप ही जो है तस्वीरें शो करती जाती है। माहिरीन का ये कहना है कि 8 मिलियन साल लग जाएंगे एंड वाली तस्वीर तक आपको देखते हुए। तो ये किस पर्पज़ के लिए बनाई गई है, क्या ये किसी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए है या फिर क्या नाम लेते हैं कोई डाटा इकट्ठा करने के लिए या फिर किसी भी जासूसी करने के लिए वेबसाइट बनाई है, अभी इसके बारे में माहरीन ने कुछ भी नहीं कहा। ये जो वेबसाइट है, माहरीन का कहना है कि आपको 8 मिलियन साल लग जाएंगे इसकी सारी तस्वीरें देखते हुए। तो बिल्कुल अभी माहरीन को समझ नहीं आ रहा कि ये वेबसाइट किस लिए बनाई गई थी और क्यों इसको तहलील किया गया इस वेबसाइट को। तो जब भी कोई अपडेट आती है इस वेबसाइट के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो ये थोड़ा सा भी देखते हैं इसको कि ये आगे कौन कौन सी तस्वीरें दिखाती जाती है ये वेबसाइट। आमतौर पर तो इसका कोई इतना खास काम नहीं है, सिर्फ तस्वीरें दिखाती जाती है। आगे ये देखिएगा अपने आप ये जूम होती है और अपने आप ही जो है आगे से आपको मुख्तलिफ़ किस्म के इमेज दिखा रही होती है। तो ये देखिएगा अभी कहाँ हम पत्थरों वाली जगह में थे और कहाँ हम हरियाली में आ गए हैं। तो इसी तरह ये कुछ वेबसाइट काम करती है, ये इमेजेस दिखाई जाती है। और ये जो है एक इंटरेस्टिंग किस्म की कह सकते हैं आपके ये वेबसाइट है। इसका कुछ अभी काम माहरीन को नहीं समझ में आ रहा कि ये वेबसाइट जो है क्यों बनाई गई है और किस काम के लिए बनाई गई है। कुछ माहरीन का कहना है कि ये किसी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बनाई गई है या फिर इसके अंदर कुछ ऐसा डाटा है जो कि सिक्योर इसके अंदर रखा गया है। तो अभी देखना ये होगा कि ये वेबसाइट जब ज़्यादा लोगों के पास जाएगी या फिर आगे माहरीन का क्या कहना है इस वेबसाइट के बारे में। तो जब भी इसके बारे में कोई भी अपडेट आएगी आपको मैं बता दूंगा। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल दोस्तों इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।